मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, मैंने तय किया है कि साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर वन राज्य बनाना है। इस सपने को साकार करने के लिए पिछले 4 बजट एवं इस साल के बचत राहत बजट वाले बजट में मैंने ऐसी योजना बनाई है जो किसी दूसरे राज्य में नहीं है। किसी और राज्य में जनता को मुफ्त में 25 लाख का 10 लाख का भी बीमा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी राज्य में 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं भरवा जा रहा है और ना ही ऐसी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया जा रहा है बिना किसी प्रीमियम के। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को बढ़त मिलेगी। गरीबी का दर्द हम सब ने देखा है। दिन रात मेहनत करके राजस्थान के लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत पर महंगाई की मार भारी पड़ती है और उनको ऊपर उठने नहीं देती है। लोग ऊपर उठते हैं, महंगाई वापस नीचे कर देती है। इसी वजह से राजस्थान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हर परिवार चाहता है कि कुछ पैसे बच जाए, बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण में जितने पैसे खर्च किए जाए उतने कम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राजस्थान में लाखों लोगों के घरों में गैस सिलेंडर खाली रखे हैं। बच्चों का पेट भरने के लिए माएं अपने फेफड़े खराब कर रही है, लकड़ी जला करके खाना बना रही है। राजस्थान सरकार ने उनका दर्द समझा। हर महीने 1150 रुपए में गरीब आदमी सिलेंडर नहीं भरवा सकता है, इसलिए राजस्थान सरकार गरीब लोगों के लिए सिलेंडर भरवाने का दाम सिर्फ 500 रुपए करने जा रही है। अगर महंगाई का हाल देखना है तो देखिए कोरोना में प्राइवेट अस्पताल में देश भर के लोगों को कितने लाखों के बिल आए। तभी से मैंने निश्चय कर लिया कि राजस्थान में अस्पताल के खर्च के लिए किसी को झोली नहीं फैलानी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर ऑर्गेन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण भी कराना है तो राजस्थान में गरीब आदमी भी बिना कोई पैसे खर्च किए करवा सकता है। आपका बोझ मेरा बोझ है। अगर महंगाई का बोझ हल्का होगा तो आपकी तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी तो राजस्थान की भी तरक्की होगी। मिशन 2030 को सफल करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। पहला कदम था बचत राहत बढ़त वाला बजट। आज मैं मिशन 2030 का दूसरा कदम उठाने जा रहा हूँ। सरकार ने पाया कि अक्सर और जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए योजना सरकार ने बनाई है। उनके नाम पर इस योजना का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है और कई बार जिन लोगों को सरकारी योजनाओं की जरूरत नहीं भी होती है उनको भी लाभ मिल रहा होता है। मुझे लोगों से ये भी बताना है कि अक्सर योजनाओं को जनता तक पहुँचने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इन वजहों से सरकार का पैसा या तो जाया होता है या उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता जिनको इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने एक नई पहल की, राहत बचत बजट वाले बजट की 10 नई योजनाओं के लाभ उन लोगों को मिलेंगे जो इसके असली हकदार हैं और अपने हक के लाभ की मांग करेंगे। 24 अप्रैल से पूरे राजस्थान में कोने कोने में हजारों महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे और महंगाई राहत कैंप में आकर इन 10 योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना नहीं भूलें। ये कैंप तब तक चलेंगे जब तक हर किसी का पंजीकरण ना हो, हर योग्य व्यक्ति तक उनका लाभ ना पहुंच जाए। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें इन योजनाओं की जरूरत नहीं है और उनके हिस्से का अतिरिक्त लाभ किसी और को मिल जाए वो अपना पंजीकरण ना कराएं। इन 10 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। आप अपना गैस सिलेंडर कनेक्शन नंबर, गैस एजेंसी का नाम लेकर महंगाई राहत कैंप जाएंगे तो अपने गैस सिलेंडर का दाम 5 रुपए करवा सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। आप अपना बिजली कनेक्शन नंबर लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं, उसके बाद हर महीने आपको बिजली के बिल में पहले 100 यूनिट मुफ्त हो जाएंगे और इससे 90% जनता की बिजली फ्री हो जाएगी। 100 यूनिट से ज्यादा वालों को भी छूट मिलेगी। तीसरी, बिजली के कृषि उपभोक्ता बिजली कनेक्शन नंबर को लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं, उसके बाद हर महीने आपको 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। चौथी योजना है अन्नपूर्णा पैकेज योजना। यदि आप उन 1 करोड़ परिवारों में से हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तो आप महंगाई राहत कैंप में अपना नाम लिखवा कर हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी निःशुल्क ले पाएंगे। पांचवा, यदि नरेगा में आपका जॉब कार्ड बना हुआ है तो अपना जॉब कार्ड नंबर महंगाई राहत कैंप में लेके जाएं
अब आप साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम ले पाएंगे। छठा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। यदि आप राजस्थान के किसी शहर में रहते हैं और शहर में नरेगा की तरह काम चाहते हैं तो आपको महंगाई राज कैंप में अपना जाकर के जन आधार नंबर को दे आपका नाम लिखवा सकते हैं। सातवां, यदि आपको राजस्थान सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है और इसकी राशि 1000 रुपये से कम है तो आप महंगाई राहत कैंप में जाएंगे, उसे बढ़ा करके 1000 रुपये करवा सकते हैं। आठवां, चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना में अभी तक आपको 10 लाख रुपये प्रति परिवार का बीमा अपना जन आधार कार्ड से लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं उसको बढ़वा करके 25 लाख रुपये प्रति परिवार करवा सकते हैं। नवा, चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना में अभी तक आपको 5 लाख रुपये प्रति परिवार का बीमा था, महंगाई राहत कैंप में आप इसको 10 लाख रुपये प्रति परिवार करवा सकते हैं। दसवां, कामधेनु पशु बीमा योजना में आप अपने पशु का बीमा करवा सकते हैं, इसमें आपके घर में 2 पशुओं के लिए 40,000 रुपये का बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। यदि आपके दुधारू पशु की असमय मृत्यु हो जाती है तो बीमा राशि आपको नया पशु खरीदने में काम आएगी। मेरी आपसे अपील रहेगी कि आप महंगाई को देखते हुए महंगाई राहत कैंप में अवश्य जाएं और जो योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है उसका अवश्य लाभ लें। अगर आपको कोई दिक्कत आए कैंपों के अंदर तो आप 181 नंबर पर फोन करके जरूर बताएं। आप सभी का परिवार कुशल मंगल रहे। आपको राजस्थान सरकार की किसी भी बीमा योजना की जरूरत नहीं पड़े, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय सम्मान, जय राजस्थान, जय हिंद। नमस्कार। सम्मान जय राजस्थान।